हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है सेपरेबल कर्नल। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने फरदोलम इंटीग्रल इक्वेशन को सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन से किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हमने देखा था। इसमें हम देखेंगे सेपरेबल कर्नल क्या होती है और अगर कर्नल सेपरेबल फॉर्म में हो तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, फरदोलम इंटीग्रल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली सेपरेबल कर्नल क्या होते हैं? आ कर्नल के एक्स जाई ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड सेपरेबल इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म के एक्स जाई बराबर आई बराबर 1 to n समेशन ऑफ ए आई एक्स बी आई जाई, जहाँ पे ए आई जो फंक्शन है यानी a1x a b1 जाई a2x b2 जाई प्लस डॉट डॉट a1x b1 जाई, यानी कि a1 जो फंक्शन है वो x का फंक्शन होना चाहिए और दूसरा फंक्शन जाए कि दोनों वेरिएबल से फंक्शन अलग अलग किए जा सकते हो, अलग अलग किए जा सकते हो, तो उस कंडीशन हम कहते हैं कि वो कर्नल जो है वो सेपरेबल है। जैसे कुछ फॉर्म इसकी e टू द पावर x माइनस जाए, तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x डॉट e टू द पावर माइनस जाए, जो कि a1x तो यहाँ पे ये हो गया और b1 जाए ये हो गया। यहाँ पे जैसे x माइनस जाए की बात करें तो इसको लिख सकते हैं x डॉट 1 1 डॉट माइनस जाए, तो a1x जो हो गया यहाँ पे a1x ये हो गया हमारे पास, b1 जाई 1 हो गया, a2x जो हो गया हमारे पास 1 हो गया, b2 जाई हो गया माइनस जाई। इसी तरह से साइन एक्स प्लस जाई 1 माइनस 3x जाई आर ये सेपरेबल कर्नल्स हैं, ये सारे सेपरेबल कर्नल्स हैं। साइन एक्स प्लस जाई किस तरह से सेपरेबल कर्नल है, जब इसका हम एक्सपेंशन खोल के देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कर्नल जो है सेपरेबल कर्नल्स हैं। बट अगर हम बात करें एक्स टू द पावर जाई, ये सेपरेबल कर्नल नहीं है, साइन एक्स जाई नहीं है, और ऐसी कुछ बहुत सारी कर्नल्स होती हैं जो कि सेपरेबल कर्नल्स नहीं होती। बेसिकली सेपरेबल कर्नल्स वो कर्नल्स नहीं होती जिनको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब इस तरह की सेपरेबल कर्नल्स हो तो हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम को? मेथड टू सॉल्व फरदोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड विद सेपरेबल कर्नल्स। लेट द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन बी, सपोज द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन ये है हमारे पास, वेयर के एक्स जाई जो है वो सेपरेबल है। सेपरेबल है तो उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन वन को, क्योंकि के एक्स जाई को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे के एक्स जाई की जगह ये पुट कर दिया हमने, जो सेपरेबल कर्नल की फॉर्म थी यू एक्स बराबर एफ एक्स लेमडा ए टू बी समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n ए आई एक्स बी आई जाई यू जाई डी जाई। अब फ्रेंड्स ए आई एक्स यानी कि ये एक्स का फंक्शन है और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू जाई हो रहा है, तो ये तो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, तो लेमडा समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n ए आई एक्स बार आ गया, बी टू ए टू बी और ये समीशन बी आई जाई यू जाई डी जाई, बेसिकली बी आई जाई यू जाई डी जाई रह गया, समीशन अंदर चला गया, तो ये हो गया हमारे पास एफ एक्स प्लस लेमडा सी वन ए वन एक्स प्लस सी टू ए टू एक्स प्लस डॉट डॉट सी एन ए एन एक्स, जहाँ पे अगर ए वन एक्स की बात करें हम कंपेयर करके, तो ए वन एक्स क्या है यहाँ पे ए टू बी सम इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, और यहाँ पे सब वन होता तो ये होता है बी वन जाई यू जाई डी जाई, तो ये हमारे पास ए वन एक्स है, सॉरी ए वन एक्स तो यही है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे है सी वन जो है वो ये है हमारे पास। तो इस तरह से सी के को डिफाइन कर सकते हैं ए टू बी बी के जाई यू जाई डी जाई, इस तरह से यहाँ पे सी के हो गया। अब यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल से इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंपल हमने वेरिएबल्स को चेंज किया, नाम नेम ऑफ वेरिएबल चेंज किया हमने। हेयर 3 गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ फरदोलम इंटीग्रल इक्वेशन 1, जो 3 इक्वेशन है ये इक्वेशन है ये जो है वो फरदोलम इंटीग्रल इक्वेशन 1 का जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। तो अब हमें निकालने क्या है, बेसिकली C2 को ए वन एक ये तो हमारे पास नोन होंगे, सी एन ये हमारे पास निकालने हैं, डिटरमाइंड फरदोलम इंटीग्रल प्रोवाइडेड द कॉन्स्टेंट सी वन सी टू डॉट डॉट सी एन आर डिटरमाइंड फॉर दिस। इसके लिए इसको निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी आई एक्स से, इसको हमने बी आई एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बी आई एक्स यू एक्स हो गया, समेशन ऑफ ए टू बी हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ए टू बी एफ एक्स बी आई एक्स डी एक्स प्लस लेमडा के बराबर 1 to n सी के, क्योंकि सी के टू
ये एज अ कॉन्स्टेंट है हमारे पास, डी आई एक्स ए के एक्स डी एक्स, और ये हो गया 4i/(1, 2n)। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ से अगर हम सी आई का कंपेयर करें, तो सी आई के लिए कंपेयर करने के लिए हमारे पास ये, तो ये हमारे पास सी आई की फॉर्म है। सी आई बराबर, इसको हमने मान लिया कि ये एफ आई है, इसको हमने मान लिया एफ आई, और इसको मान लिया हमने ए आई के। ए आई के क्या है यहाँ पे, बी आई एक्स ए के एक्स डी एक्स, तो इसको हमने ए आई के मान लिया प्लस सी के। तो यहाँ पे एफ आई ये हो गया हमारे पास, और ए आई के ये हो गया। तो इक्वेशन फाइव में अगर देखें, तो इक्वेशन फाइव में सी वन जो है वो है हमारे पास सी वन बराबर एफ वन प्लस लेमडा। अब यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, आई की जगह वन पुट करना है, तो आई की जगह वन पुट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए वन वन सी वन, क्योंकि के बराबर 1, 2 है तो चलेगा ही। ए वन वन सी वन प्लस ए वन टू सी टू प्लस डॉट डॉट ए वन एन सी एन। इस तरह से सी टू के लिए पुट किया, तो सी टू पुट किया आई की जगह, तो एफ टू प्लस लेमडा ए टू वन सी वन प्लस ए टू टू सी टू डॉट डॉट। इस तरह से ये हमारे पास एक इक्वेशन का फॉर्म बन चुका है। इन द मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स सी बराबर एफ वन प्लस लेमडा ए सी, और वन माइनस लेमडा ए सी बराबर एफ। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, तो सी बराबर क्या है, इससे कंपेयर करें तो सी बराबर क्या है, ये हमारे पास बराबर एफ, एफ यानी कि ये फंक्शंस, लेमडा ये रहा हमारे पास, और ए और सी यानी ए और सी का मल्टीप्लाई, अगर इसको हम देखें तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है, ए वन ये मैट्रिक्स ये, और ये हमारे पास सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे सी वन सी टू डॉट डॉट सी एन, जो कि मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। फर्स्ट टू जो आएगी, फर्स्ट टू निकाल के दिखा रहा हूँ मैं, ए वन वन सी वन प्लस ए वन टू सी टू प्लस डॉट 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 ए वन एन सी एन, जो कि हमारे पास इस तरह से आनी चाहिए थी। ये हो गया फिर से हमारे पास। लेट, अब यहाँ पे लेट वन माइनस लेमडा आई, वन माइनस लेमडा ए बराबर डेल लेमडा। अब यहाँ पे हमने ले लिया कि वन माइनस लेमडा ए बराबर जो है वो है डेल लेमडा। अब फिर इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा, इसकी आइगेन वैल्यू, बेसिकली आइगेन वैल्यू पे डिफाइन करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, व्हेन एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ बराबर जीरो, दैट इज बोथ इंटीग्रल इक्वेशन एज वेल एज मैट्रिक्स इक्वेशन आर नॉन होमोजीनियस, देन सेवन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर ये हमारे पास कंडीशन है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो सेवन है, ये हमारे पास नॉन यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन होगा, इफ एंड ओनली इफ अगर डेल लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो हो। डेल लैम्डा जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डेल लैम्डा यानी कि आई माइनस ए लैम्डा, ये जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इफ डेल लैम्डा इक्वल टू जीरो फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, देन सेवन हैज नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और के सेकंड है, इफ व्हेन एफ एक्स बराबर जीरो, दैट इज फर्दुलम इंटीग्रल इक्वेशन इज होमोजीनियस, अगर ये जीरो है तो फर्दुलम इंटीग्रल इक्वेशन जो है होमोजीनियस। इन दिस केस एफ आई बराबर जीरो फॉर ऑल आई एंड कोसिक्वेंसली कैपिटल एफ बराबर भी जीरो होगा, तो सेवन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा हमारे पास वन माइनस लेमडा ए सी बराबर, जो कि इक्वेशन नंबर सेवन ये जो थी हमारे पास, ये क्योंकि ये एफ बराबर जीरो, तो वन माइनस लेमडा ए सी बराबर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे सब केस बनता है, इफ डेल लेमडा नॉट इक्वल टू जीरो, देन नाइन हैज ट्रेवल सॉल्यूशन, यानी सी बराबर जीरो एक ट्रेवल सॉल्यूशन होगा फॉर ऑल आई, हेंस थ्री बीकेम यू एक्स बराबर जीरो विच इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। सब केस बी जो बनता है वो हमारे पास यहाँ से बनता है, इफ डेल लेमडा इक्वल टू जीरो फॉर सम लेमडा जीरो, देन नाइन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसली द फर्दर इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इस तरह से केस थर्ड, व्हेन एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बट एफ बराबर जीरो, इन दिस केस ये हमारे पास जीरो होगा, तो इसके भी सब केस बनेंगे। अगर डेल लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो, देन इक्वेशन टेन हैज ओनली, यानी इक्वेशन टेन है, उसके दो ट्रेवल सॉल्यूशन होंगे, सी बराबर जीरो दैट इज ऑल सी आई जीरो फॉर ऑल आई, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज यू एक्स बराबर एफ एक्स, ये हो जाएगा। और सब केस भी जो बनेगा, अगर डेल लैम्डा इक्वल टू जीरो है फॉर सम स्केलर लैम्डा बराबर लैम्डा जीरो, देन टेन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, देयरफॉर यू एक्स बराबर एफ एक्स जो है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे।